हेलो दोस्तों, एक्टिव क्रिकेट की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आ गया हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। इंडिया और फाज ऑस्ट्रेलिया, आज हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है। तो गाइज करते हैं शुरू। और जो भी हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें गाइज। चलते हैं हम टॉस की तरफ। तो गाइज अच्छे से आप सपोर्ट करो, और बहुत ही अच्छे आप अभी तक सपोर्ट मुझे कर रहे हो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और आपकी मुझे बहुत ही आवश्यकता है सपोर्ट के लिए। और यहाँ पे हमने टॉस विन किया है और हम यहाँ पे पहले बॉलिंग लेते हैं, क्योंकि बॉलिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। ये रही ऑस्ट्रेलिया की टीम, और ये आएगी हमारी इंडिया की नंबर वन टीम, जो कि बहुत ही बेहतरीन टीम है। तो गाइस चलते हैं बॉलिंग की तरफ। पहले ओवर देंगे हम भुवनेश्वर कुमार को, जो कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं। और ये आ गए ओपनर बल्लेबाज फिंच और डेविड वॉर्नर। तो गाइस पहला ओवर करेंगे भुवनेश्वर कुमार, और सामना करेंगे फिंच। और ये पहली गेंद, और उठा के खेल दिया यहाँ पे फिंच ने, और पहली ही गेंद को भेजा है दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट खेला है, लगता है ड्रेसिंग रूम से रेडी होके आए हैं यहाँ पे छक्का चौके लगाने के लिए। और यहाँ पे ये अगली गेंद भुवनेश्वर कुमार की फिंच के लिए, और फिर उठा के खेल दिया है, और लगातार 2 सिक्स लगा चुके हैं यहाँ पे फिंच। क्या कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार, कैसी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे। देखते हैं अगली गेंद पे, लगता है हम इनको आउट ही ले लें, और देखना पड़ेगा गाइज। आउट हो जाएं तो और अच्छी बात है, बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन बच गए यहाँ पे। शॉट नहीं खेला आपके इन्होंने, शॉट खेलते तो आउट हो सकते थे, कैच आउट। 3 गेंदों पे 13 रन दे चुके हैं भुवनेश्वर कुमार। अब सामना करेंगे वॉर्नर, और ये अगली गेंद वॉर्नर के लिए, और उठा के खेलना चाहते थे वॉर्नर भी, लेकिन बॉल डॉट बॉल। अच्छा बैकअप किया है यहाँ पे हमारे भुवनेश्वर कुमार ने, और जो कि जाने भी जाते हैं अच्छी बॉलिंग के लिए। और ये अगली गेंद फिर उठा के खेल दिया है, वहाँ पे खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं है, गेंद को भेजा है बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट लगा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं यहाँ पे। और इस ओवर की लास्ट गेंद, देखना पड़ेगा क्या भुवनेश्वर कुमार आउट ले पाते हैं या नहीं। फिर उठा के खेल दिया है, गेंद को भेजा है दर्शक दीर्घा में 4 रनों के लिए, बाउंड्री बाहर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अभी तक देखने के लिए मिल रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और देखना पड़ेगा गाइज क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। अगला ओवर देते हैं हम अक्षर पटेल को, जो कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अभी तक चल रही है इनकी। और ये पहली गेंद अक्षर पटेल की फिंच के लिए, और आसानी से कट कर दिया वहाँ पे फिंच ने, बॉल जा रही बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं फिंच यहाँ पे, बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जा पहुँचा है बिना किसी नुकसान के 25 रन। बहुत ही बढ़िया बैटिंग अभी तक देखने को मिली है यहाँ पे। ओ बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पे अक्षर पटेल की, बार बार बच्चे यहाँ पे फिंच। और ये अगली गेंद फिंच के लिए, ओ बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, एक ही रन मिलेगा कोई नुकसान नहीं। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और ये रहे हमारे कमेंटर, जो कि बहुत ही अच्छी कमेंट्री करते हैं, आकाश चोपड़ा जी और कपिल देव जी। और चलते हैं अगली गेंद की तरफ, चौथी गेंद। यहाँ पे 3 गेंदों पे 5 रन दिए हैं अभी तक, जो कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है अभी तक, जो जैसे भी बल्लेबाजी अच्छे खेल रहे हैं यहाँ पे। और उठा के खेलना चाहते थे लेकिन बचे यहाँ पे
ओ क्या कर रहे हैं ये, कहाँ पे थ्रो फेंक रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने का नज़ारा मिल रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हमको विकेट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, एक विकेट तो हमको चाहिए। 4 बॉल हो चुकी हैं अभी। ओ बहुत ही अच्छी गेंद, यहाँ पे एक ही रन मिलेगा यहाँ पे। ओ ये थ्रो कहाँ पे फेंक दिया, वहाँ पे विराट कोहली हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हैं, कोई रन नहीं, एक ही रन लिया है यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं आई है। और इस ओवर की लास्ट गेंद, क्या विकेट ले पाएंगे इस गेंद पे या नहीं, देखना पड़ेगा। ओ बहुत ही अच्छी गेंद, कट कर दिया एक रन के लिए, खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे हैं, एक ही रन होगा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहाँ पे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने का नज़ारा मिल रहा है यहाँ पे। और अगला ओवर लेके आएंगे सुंदर, क्योंकि स्पिनर से ही अच्छा लग रहा है मुझे वो गेंद का गेंद कराने में, क्योंकि अगर स्पिनर बॉलिंग करेंगे तो रन स्कोर कम बनेगा ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे। ओ बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया थ्रो, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। ऑस्ट्रेलिया की विकेट तो होनी चाहिए, 3 ओवर नहीं हुए अभी तो, 30 रन हो चुके हैं यहाँ पे, और फिर आसानी से कट कर दिया है, 2 रन आसानी से पूरा कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। और ये अगली गेंद सुंदर की, फिंच के लिए 8 गेंदों पे 30 रन बना खेल रहे हैं। ओ ये आउट, बहुत ही अच्छी कैच यहाँ पे, बहुत ही अच्छी कैच ली है यहाँ पे, बहुत ही बड़ी विकेट यहाँ पे, पहला झटका लगता हुआ ऑस्ट्रेलिया को, बहुत ही बढ़िया कैच, फिंच जाएंगे 9 गेंदों पे 21 रन बना के, अक्षर पटेल ने कैच ली है, वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया कैच। गाइज मैं आपको रिप्ले में दिखाता हूँ उस कैच को, बहुत ही बढ़िया कैच लिया है, आप देख सकते हो अच्छी तरह से, वाह बहुत ही तेज़ शॉट था यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया कैच लिए है यहाँ पे अक्षर पटेल ने, वाह क्या फील्डिंग है। अगले बल्लेबाज आए हैं मार्श, जो कि ये भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं, और देखते हैं क्या कर पाते हैं सुंदर, एक विकेट और लेंगे क्या नहीं लेंगे। बहुत ही अच्छी विकेट ली है यहाँ पे, बहुत ही बड़ी, और ये आगे बढ़ के कट कर दिया, यहाँ पे एक ही रन मिलेगा। यहाँ पे है यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद, रोहित शर्मा, और इस ओवर की 5वीं गेंद, जो कि 4 ही रन दिए हैं, 4 गेंदों पे 1 विकेट लिए हैं यहाँ पे। और ये LBW आउट हो सकते हैं पक्का, देखना पड़ेगा एम्पायर का सारा, और एम्पायर का सारा आउट, बहुत ही अच्छी विकेट, एक और विकेट यहाँ पे, एक और विकेट का पतन होता हुआ ऑस्ट्रेलिया टीम का, देखते हैं यहाँ पे रिव्यू लेंगे या नहीं लेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, और बात कर रहे हैं आपस में, और नहीं लिया यहाँ पे लगता है रिव्यू, और ले लिया है गाइज, और रिव्यू यहाँ पे ओनर ने ले लिया है, और देखना पड़ेगा ओनर आउट है या नहीं, और थर्ड एम्पायर के पास ये निर्णय गया है गाइज। और यहाँ पे ये रिप्ले में आपको दिखाते हुए, और ये मुझे तो लगता है आउट है, मुझे तो ऐसा महसूस हुआ है जैसे आउट हो, और दिख भी रहा है, और आप बता सकते हो कमेंट में आउट है क्या नहीं। और ये आउट है, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन आउट है ये तो, यहाँ तो एम्पायर कॉल की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आउट है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया विकेट लिए है यहाँ पे। और गाइज आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस करो, तो आपको ऐसी अच्छी वीडियो आती रहे आपके पास, और आपका मनोरंजन अच्छा मैं करवाता रहूं। और गाइज कमेंट में ज़रूर लिख के भेजा करो, जो भी आपको मेरे वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे मैच में, अगर मैं गलत खेलता हूँ या कुछ भी, मुझे बता सकते हो, मैं आपका छोटा ही भाई हूँ। और ये अगली गेंद, और यहाँ पे आसानी से कट कर दिया है, एलेक्स कैरी आए बल्लेबाजी करने के लिए, और यहाँ पे विराट कोहली फील्डिंग के 2 रन आसानी से ले लिए हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छी 2 विकेट लिए सुंदर ने यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ी विकेट लिए हैं, ओपनर को भेजा है मैदान से बाहर, एक ही ओवर में 2 विकेट लिए हैं यहाँ पे। और अगला ओवर लेके आएंगे अर्शदीप सिंह, जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक फिलहाल, और किए इन्होंने आगे हर मैच में बढ़िया बॉलिंग की है अभी तक, और सामना करेंगे मार्श। ओ बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, एक ही रन मिलेगा यहाँ पे, खिलाड़ी मौजूद है वहाँ पे, सूर्य कुमार यादव, बहुत ही अच्छा थ्रो है यहाँ पे। और इस ओवर की 2री गेंद, देखते हैं क्या अर्शदीप
विकेट लेंगे या नहीं पता पड़े। एलेस्करी सामने है, ओ बोल्ड कर दिया यहाँ पे, बहुत ही अच्छी, क्या बात है। मैं जो बोल रहा हूँ गाइस आज तो वही हो रहा है, विकेट के लिए बोल रहा हूँ तो तुरंत ही विकेट हो रही है। और यहाँ पे बोल्ड कर दिया है, जाना होगा मैदान से बाहर एलेस्करी को। और दो रन, दो गेंदों पे 2 रन बना के जाएंगे मैदान से बाहर। बहुत ही अच्छी बोल्ड कर दिया यहाँ पे, एक और झटका लगता हुआ ऑस्ट्रेलिया टीम को। और ये जाएगी हरदीप सिंह के कोटे में विकेट, बहुत ही बड़ी विकेट, वाह क्या बात है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग अभी तक, जैसे शुरुआत में आके दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे लगता था ऐसा स्कोर पहुँचेगा 70-80 के करीब, लेकिन अब तो मुश्किल लगता है। और अगले नेक्स्ट बल्लेबाज आए मैक्सवेल स्ट्राइक पर रहें। और यहाँ पे अगली गेंद अर्शदीप सिंह की, और चौथा ओवर चल रहा है गाइस, 36 रन है 3 विकेट के नुकसान पर, अभी तो कोई ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं है। और यहाँ पे कट कर दिया है मैक्सवेल ने, खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे हैं, 2 रन आसानी से मिल जाएंगे यहाँ पे मैक्सवेल को। बहुत अच्छा फील्डिंग वहाँ पे, और 10.80 का रन रेट चल रहा है गाइस। और यहाँ पे अगली गेंद अर्शदीप की मैक्सवेल के लिए, जो कि बहुत ही बेहतरीन छक्के लगाते हैं मैक्सवेल। ओ प्योर कर गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पे देखने को मिली गाइस, बहुत ही बढ़िया गेंद अर्शदीप की, जाने जाते हैं ऐसी बॉलिंग करने के लिए। और यहाँ पे अगली गेंद, पांचवी गेंद, 4 गेंदों पर 3 रन देके विकेट लिए इन्होंने, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की अभी तक। और उठा के खेलना चाहते थे, यहाँ पे कट कर दिया है गेंद जारी खिलाड़ी के पास, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा 2 रन आसानी से पूरा कर लेंगे ये। और विराट कोहली बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हैं गाइस, बैटिंग की तो पूछो ही मत, बैटिंग तो बहुत ही अच्छी करते हैं, लेकिन मैदान पर फील्डिंग भी बहुत ही अच्छी करते हैं गाइस। और 2 रन आसानी से पूरा कर लिए, इसी के साथ 40 रन हो चुके हैं यहाँ पे। और लास्ट गेंद इस ओवर की मैक्सवेल के लिए, और मैक्सवेल उठा के फिर खेलना चाहते थे, यॉर्कर गेंद थी, 1 ही रन मिलेगा यहाँ पे, खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नुकसान नहीं। 41 रन हो चुके हैं 4 ओवर की समाप्ति पर, 3 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया टीम के। और ये अगला ओवर लेके आएंगे उमर मलिक, जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और नए बॉलर आए हैं इंडिया की तरफ से, इंडिया की टीम में, जो कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग की अभी तक मानना होगा। और इनकी पहली गेंद मैक्सवेल के लिए, और मैक्सवेल आसानी से कट कर दिया है, खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद हैं, 2 रन आसानी से पूरा कर लेंगे। विराट कोहली बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हैं लेकिन। और गाइज फटाक से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो गाइज। और यहाँ पे अगली गेंद मैक्सवेल के लिए, मैक्सवेल ने उठा के खेलना चाहते थे लेकिन आसानी से कट किया है, गेंद के पीछे खिलाड़ी भाग रहे हैं, रोहित शर्मा, 1 ही रन मिलेगा यहाँ पे गाइस। बहुत ही अच्छी फील्डिंग रोहित शर्मा द्वारा देखने को मिली, 44 रन हो चुके हैं यहाँ पे अभी तक ऑस्ट्रेलिया टीम के। और लास्ट ओवर चल रहा है यहाँ पे गाइस, 5-5 ओवर का मैच खेलते हैं और लास्ट ओवर यहाँ पे चल रहा है। और ये उठा के खेल दिया है यहाँ पे मैक्स मार्श ने, और ये कैच आउट, बहुत ही अच्छी कैच ली यहाँ पे रोहित शर्मा ने, मानना होगा बहुत ही शानदार कैच लिया है यहाँ पे। एक और विकेट का पतन होता हुआ ऑस्ट्रेलिया टीम का, और यहाँ पे रोहित शर्मा ने कैच लिया है, बहुत ही अच्छी विकेट यहाँ पे उमर मलिक की, जाना होगा मैदान से बाहर मार्श को। और मार्श गए 3 गेंदों पर 2 रन बना के, अगले बल्लेबाज आए स्टोनिस, जो कि सही खेलते हैं, बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं स्टोनिस। मैक्सवेल स्ट्राइक पर, 3 बॉल हो चुकी हैं, 3 रन दिए, 1 विकेट लिए हैं इन्होंने, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अभी तक। ओ ये भी बहुत ही अच्छी गेंद थी यहाँ पे, कट कर दिया है यहाँ पे मैक्सवेल ने, और गेंद जारी खिलाड़ी के पास, 2 ही रन मिलेंगे आसानी से, 4 विकेट हो चुकी हैं यहाँ पे, 46 रन हो चुका है ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर अभी तक यहाँ पे। और देखना पड़ेगा गाइस इन 2 गेंदों पर क्या कर पाते हैं मैक्सवेल। और ये अगली गेंद उमर मलिक की, ओ खिलाड़ी को ऊपर से खेल दिया है यहाँ पे मैक्सवेल ने, गेंद को भेजा है बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए, बहुत ही अच्छा शॉट लगाया है यहाँ पे मैक्सवेल के, ऐसे शॉट लगाने में जाने जाते हैं मैक्सवेल, बहुत ही सुंदर शॉट लगा। और इस इनिंग की लास्ट गेंद गाइच, देखते हैं क्या कर पाते हैं यहाँ पे मैक्सवेल, 50 रन हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के। ओ उठा के खेलना चाहते थे लगता है, ये भी आउट है, और ये भी ओ कैच ड्रॉप यहाँ पे रोहित शर्मा से, कैच ड्रॉप हो चुकी है गाइच। ओ बहुत ही बेकार फील्डिंग यहाँ पे, बहुत ही बड़ी विकेट एक और हो सकती थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 5 ओवर की समाप्ति पर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जा पहुँचा है 51 रन। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करने देखने को मिली यहाँ पे गाइस इंडिया टीम की तरफ से। चलो दूसरी इनिंग की तरफ चलते हैं गाइस, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो गाइस, और लाइक करो कमेंट करो।
और गाइस जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाओ मेरे। और गाइस 5-5 ओवर का भी मैं मैच खेलता हूँ, अगर मेरे लाइव आऊँगा ना, जब मैं आराम से पूरी इनिंग खेला करूँगा जैसा आप बोलोगे वैसे। ओ बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे पैट कमिंस की, पहली गेंद राउंड के लिए और डॉट बॉल हो चुकी है यहाँ पे गाइस। और गाइस जी अगली गेंद पैट कमिंस की उठा के खेल दिया यहाँ पे राहुल ने, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ लेकिन खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद, एक ही रन मिलेगा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छा शॉट लगाया था राहुल ने लेकिन खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद थे। स्ट्राइक पर पहुँचे हैं अब रोहित शर्मा, जो कि बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं। और ये अगली गेंद पैट कमिंस की रोहित शर्मा के लिए, और रोहित शर्मा ने उठा के खेल दिया है, गेंद को भेजा है बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही लंबा सिक्स लगाया है यहाँ पे रोहित शर्मा ने, बहुत ही बढ़िया सिक्स लगाया है यहाँ पे। और इसी 6 रन के साथ इंडिया का स्कोर जा पहुँचा है 7 रन बगैर किसी नुकसान के। 3 बॉल हो चुकी हैं अभी तक गाइज पैट कमिंस की, अभी तो गेंद बाकी है। और ये अगली गेंद, ओ फिर उठा के खेलना चाहते थे लेकिन बहुत ऑफ स्टंप से बाहर, कोई नुकसान नहीं डॉट बॉल। और यहाँ पे अगली गेंद इस ओवर की रोहित शर्मा के लिए, रोहित शर्मा ने फिर उठा के खेल दिया है और गेंद को भेजा है दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। बहुत ही लंबा सिक्स लगाया है यहाँ पे, एक और सिक्स लगाया है यहाँ पे रोहित शर्मा ने, जो कि जाने जाते हैं गाइज। बहुत ही बढ़िया सिक्स लगाया यहाँ पे रोहित शर्मा ने। और यहाँ पे दोनों हमारे कमेंटर जी खुश होते हुए, और 5 गेंदों पे 13 रन ले चुके हैं अभी तक रोहित शर्मा, और देखना पड़ेगा इस ओवर की लास्ट गेंद पे क्या कर पाते हैं रोहित शर्मा। ये भी उठा के खेलना चाहते थे लेकिन डॉट बॉल, कोई नुकसान नहीं यहाँ पे। एक ओवर की समाप्ति पर 13 रन हो चुके हैं इंडिया टीम के, स्ट्राइक आए हैं ओवर लेके। और ये पहली गेंद राहुल के लिए, राहुल उठा खेलना चाहते थे लेकिन पैड पे लगी है गेंद और रन के लिए भाग चुके हैं। ओ बाल बाल बचे यहाँ पे रोहित शर्मा, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहाँ पे, बहुत ही अच्छी थ्रो लगा मारा वहाँ पे, डायरेक्ट हिट मारी यहाँ पे कीपर ने। और ये अगली गेंद, देखना पड़ेगा क्या करते हैं रोहित शर्मा। ओ कट करना चाहते थे लेकिन डॉट बॉल। गाइज बताओ आप क्या होता है इसमें, कमेंट करके जल्दी जल्दी मुझे बताओ क्या कर पाता हूँ मैं, जीतता हूँ इस मैच को क्या हार पाता हूँ। और फिर उठा के खेल दिया है यहाँ पे रोहित शर्मा ने और गेंद जाएगी बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही लंबा सिक्स, एक और सिक्स देखने के लिए मिला हमको रोहित शर्मा के बल्ले से, जो कि बहुत ही अच्छा खेलते हैं और खेल के दिखा भी रहे हैं। अगर ये रुके रहे और 1-2 ओवर तो मैच जल्दी विन कर लेंगे यहाँ पे। और ये अगली गेंद फिर उठा के खेल दिया है यहाँ पे, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद है गाइस। जब तक गेंद को खिलाड़ी फील्ड करेंगे 2 रन आसानी से पूरा कर लेंगे रोहित शर्मा। और ये पावर प्ले का लास्ट ओवर चल रहा है गाइस, 4 बॉल हो चुके हैं, 2 गेंद बाकी हैं अभी इसी में, देखना पड़ेगा क्या कर पाते हैं हमारे रोहित शर्मा। और ये अगली गेंद रोहित शर्मा की, और फिर उठा के खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई खिलाड़ी के हाथ में, और ये पहली विकेट रोहित शर्मा के रूप में मिलती हुई ऑस्ट्रेलिया टीम को। बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ इंडिया टीम को, 8 गेंदों पर 20 रन बना के गए हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छी बैटिंग की अभी तक रोहित शर्मा ने। अगले नेक्स्ट बल्लेबाज जाएंगे विराट कोहली, जो कि रन मशीन है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पे विराट कोहली। लास्ट बॉल राहुल के लिए पावर प्ले की, और राहुल ने भी बल्ले का मुंह खोल दिया है, गेंद को भेजा है बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट लगाया है यहाँ पे खिलाड़ी के ऊपर से और गेंद को भेजा बाउंड्री से बाहर। इस पावर प्ले के ओवर खत्म होने के बाद गाइस 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब इंडिया का स्कोर जा पहुँचा है 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया रन रेट चल रहा है यहाँ पे। अगले नेक्स्ट बॉलर आए टाई और सामना करेंगे विराट कोहली, और देखना पड़ेगा गाइस कि विराट कोहली क्या करते हैं। विराट कोहली के लिए, विराट कोहली कट करना चाहते थे लेकिन बाउंस बॉल लगता है, एम्पायर का सर वाइड नहीं है, बाउंस दिया है। बहुत ही अच्छी गेंद टाई की,
और ये अगली गेंद विराट कोहली के लिए, थाई की उठा के खेल दिया विराट कोहली ने, लगता है सिक्स है ये। और हाँ गाइस, 6 रनों के लिए भेजा है गेंद को दर्शक दीर्घा में, बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया यहाँ पे विराट कोहली ने। और जब तक ये रहेंगे तो आसानी से मैच इंडिया चेस कर लेगी। 32 रन हो चुके हैं गाइस, 3रा ओवर चल रहा है यहाँ पे अभी। और ये अगली गेंद फिर उठा के खेलना चाहते थे लेकिन डॉट बॉल, बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, बहुत अच्छा बैकअप किया है टाई ने। 3 गेंदों पर 6 रन दिए अभी तक। और ये अगली गेंद विराट कोहली के लिए, आसानी से कट करना चाहते थे लेकिन गेंद सीधा कैच, आउट हो गए यहाँ पे विराट कोहली, सीधा बॉलर की तरफ खेल बैठे हैं। और आसानी से उन्होंने कोई गलती नहीं की, कैच को आसानी से लपक लिया है यहाँ पे। एक और विकेट विराट कोहली के रूप में, जो कि बहुत ही अच्छा सिक्स लगाया था यहाँ पे विराट कोहली ने। और एक और विकेट अगले नेक्स्ट पर लेवा जाएंगे ईशान किशन, गलत शॉट खेल बैठे वहाँ पे विराट कोहली, जो कि उम्मीद नहीं थी ऐसा शॉट खेलने के लिए। तो विकेट यहाँ पे हो चुकी है इंडिया टीम की, नेक्स्ट बल्लेबाज आए ईशान किशन। ओ ये भी बोल्ड, कैसे हुआ ये, क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला मुझे तो, कैसे बोल्ड हो गया गाइस, देखना पड़ेगा रीप्ले में। ईशान किशन आए और गए, पता ही नहीं चला कैसे बोल्ड कर दिया यहाँ पे। ओ बल्ले में लग के जाके विकेट पे लगी है गेंद, वाह क्या बॉलिंग है यहाँ पे टाई की। नेक्स्ट बल्लेबाज जाएंगे सूर्य कुमार यादव। गाइज ये तो बहुत ही बुरा हुआ हमारे साथ, क्योंकि ईशान किशन आए और गए और हैट्रिक पर रहे यहाँ पे टाई, क्योंकि हमको समझ के खेलना पड़ेगा अब सूर्य कुमार यादव को। आसानी से भाई प्यार से खेलो, 3 ओवर की समाप्ति पर और 3 विकेट के नुकसान पर 30 रन हो चुके हैं यहाँ पे। मार्क टोनिस आए हैं ओवर लेके, 20 रन चाहिए अभी मैच विन करने के लिए हमको 12 बॉलों पे। गाइस क्या लगता है आपको, बहुत ही मंदी गेंद कर रहे हैं यहाँ पे, 105 की स्पीड पे फेंकी है, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे स्टोनिस। गाइस 9 गेंदों पे 20 रन चाहिए अब हमको, राहुल जी मारो आप, अब आपके ऊपर ही है सब कुछ यहाँ पे। ओ बॉडी में लगी जाके गेंद, ये बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं स्टोनिस, लगता है कमाल कर रहे हैं यहाँ पे। और उठा के खेल दिया यहाँ पे राहुल ने, गेंद को भेजा है बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए, बहुत अच्छा शॉट लगा है यहाँ पे। और गाइस ऐसे शॉटों की हमको ज़रूरत भी है हमारी इंडिया टीम को मैच विन करने के लिए, और देखते हैं अब क्या होता है। अब हमको 16 रन चाहिए गाइज 9 बॉलों पे, देखते हैं क्या होता है। और ये अगली गेंद, ओ क्या कर रहे हो भाई, 8 गेंदों पे 16 रन चाहिए, क्या कर रहे हो। और फिर उठा के खेल दिया है, देखना पड़ेगा, खिलाड़ी वहां के गेंद के पीछे भाग रहे हैं। और एक और विकेट, बहुत ही गलत शॉट खेला है यहाँ पे राहुल ने, और जाना होगा 9 गेंदों पे 9 रन बना के, कुछ खास नहीं करके गए हैं आज तो, ये उम्मीद नहीं थी हमको इनसे। अब आए नेक्स्ट बल्लेबाज हार्दिक पांड्या, स्ट्राइक पर पहुंचे सूर्य कुमार यादव, जो कि लास्ट गेंद रह गई यहाँ पे। मार्क स्टोनिक्स इस पे 6 रन तो आने चाहिए गाइज। और उठा के खेल दिया है, वही शॉट लगा है मुझे तो, लेकिन 2 रन मिल जाएंगे आसानी से जब तक गेंद को फील करें, 3 रन ले लेंगे यहाँ पे। बहुत ही अच्छी रनिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ओ गाइस 6 बॉलों पे 13 रन चाहिए अब हमको, देखना पड़ेगा गाइस क्या होता है। आपको क्या लगता है गाइस, आप देख के अगर कमेंट करके मुझे बताओ क्या लगता है आपको। और ये गाइस लास्ट ओवर मार्क्स लेके आए और 1 ओवर पे चाहिए हमको 13 रन। उठा के खेल दिया है यहाँ पे सूर्य कुमार यादव ने, गेंद को भेजा बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। उम्मीद है इनसे, इन दोनों से हमको उम्मीद है, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव बहुत ही अच्छा खेलते हैं। और गाइस अब 9 रन चाहिए 5 गेंदों पे।
लगता है अब मैच हमारे पास आता ही जा रहा है थोड़ा थोड़ा, और पता पड़े अभी तो गाइस क्रिकेट बाय चांस से हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और बोल्ड कर दिया यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को मार्श ने, क्या बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे ये बल्लेबाज बॉलर, क्या बॉलिंग की है यहाँ पे, बोल्ड कर दिया सूर्य कुमार यादव को यार, कमाल की बॉलिंग, सुंदर आए हैं अब नेक्स्ट बल्लेबाज, 5 विकेट हो चुके हैं इंडिया टीम की, क्या बात है। और अगली गेंद, और उठा के खेलना चाहते थे यहाँ पे, ये भी डॉट बॉल, 3 बॉलों पे 9 रन चाहिए हमको गाइज, आपको क्या लगता है। और उठा के खेल दिया है यहाँ पे सुंदर ने, और गेंद को भेजा है बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए, बहुत ही अच्छा शॉट लगाया है यहाँ पे, 47 रन हो चुके हैं, अभी हमको 5 रन और चाहिए गाइज 2 गेंदों पे, आपको क्या लगता है। इधर उधर लगता है, पता नहीं किधर मैच जाएगा, इधर जाएगा या उधर जाएगा, इस ओवर की अभी तो 2 गेंद बाकी है मेरे भाई मेरे दोस्तों। और ये बाइट बॉल होगी शायद, एम्पायर का सारा होगा शायद, बाइट बॉल ना दी बाइट, क्या यार बो एम्पायर क्या कर रहे हो यार, बाइट बॉल तो होना चाहिए था यार इस मैच इस गेंद को। और उठा के खेल दिया है यहाँ पे सुंदर ने, ओ ये मैच टाई हो गया है लगता है गाइज, और हो गया टाई, क्या मतलब गाइज, और मैच टाई हो गया है गाइज।